सी आई टी एन सी आर टी प्रेजेंट डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर स्कूल ट्राई लिंगल अर्थशास्त्र का शब्द कोश विद्यालयों के लिए त्रिभाषी माशियात की लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी एन नो जी दादा भाई पेज एटी सिक्स नैरो मानी पेज एटी सिक्स national income. page 86. national income accounting. page 86. national sample survey organization. nsso. page 86. nationalization. page 87. net exports. page 87. net factor income from abroad. page 87. net investment. page 87. net national product at current prices page 88 net national product at factor cost nnpfc page 88 net national product at market prices page 89 niti ayog national institution for transforming india page 89 nominal gnp page 89 nominal income page 89 non plan expenditure Page 90. Non-tariff barriers. Page 91. Non-tax revenue. Page 91. Normal goods. Page 91. Normal profit. Page 91. Normative economics. Page 91. Let's start with alphabet N. Page 86. N. Naroji Dada Bhai. 1825 to 1917 an indian economist who provided the first estimation of national income in india in 1866 his book poverty and un-british rule published in 1876 gave the idea of poverty line based on the prisoners cost of living in indian jails ही ऑल्सो प्रपाउंड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया नौरोजी दादा भाई अट्ठारह सौ से उन्नीस भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने 1866 में भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन उपलब्ध कराया उनकी अट्ठारह में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ने गरीबी रेखा की धारणा दी जो भारतीय जेलों में रह रहे कैदियों पर खर्चे पर आधारित थी उन्होंने भारत से संपत्ति के निकास के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया नौरोजी दादा भाई एटीन ट्वेंटी फाइव टू नाइनटीन सेवनटीन दादा भाई नौरोजी अठारह सौ पच्चीस से उन्नीस सौ सत्रह हिंदुस्तानी माहिर माशियात थे जिन्होंने 1866 में हिंदुस्तान में कौमी आमदनी का पहला तखमीना फराहम किया उनकी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल जो अट्ठारह में शाया हुई थी ख़ते गरीबी का तस्वर दिया गया जो हिंदुस्तानी जेलों में मौजूद कैदियों के खर्च पर मुबनी था उन्होंने हिंदुस्तान से दौलत की निकासी का नजरिया भी पेश किया मेजर ऑफ मनी सप्लाई That includes coins and currency held by the public along with demand deposits and other liquid assets that are easily convertible into cash. This is most readily available for transactions, and is also called the monetary base or high-powered money. Sankin Atva Sankuchit Mudra. Mudra Purtika मापन. जिसमें सिक्के और मुद्रा करंसी जो जनता के पास है साथ ही मांग जमा और अन्य तरल परिसंपत्ति जो आसानी से नकदी में बदली जा सके सम्मिलित हैं ये सौदों के लिए सबसे जल्द उपलब्ध हो जाती है और ये मौद्रिक आधार अथवा उच्च शक्ति धन भी कहलाता है ज़र की रसद की पैमाइश का तरीका जिसमें वो सिक्के और करेंसी भी शामिल हैं जो लोगों के पास हैं और उसी के साथ मांग डिपॉजिट और ऐसे सयाल असासे भी शामिल हैं जो आसानी से नकदी में बदले जा सकते हैं ये लेन देन के लिए फौरी तौर पर दस्तियाब हो जाता है इसे जरी असास या आला ताकती पैसा भी कहा जाता है इसको एम वन से दिखाया जाता है National Income Value of final goods and services produced in an economy during given period of time, usually one year. See also, Gross Domestic Product Rashtriya I Ek Di Gayi Samayavadhi Samanitah Ek Varshmi Kisi Arth Utpadit Antim Vastu और सेवाओं का मूल्य देखें सकल घरेलू उत्पाद कौमी आमदनी किसी माली साल के दौरान किसी मीशत में पैदाशुदा या तैयार करदा अशिया और खदमात की कद्र नेज देखिए मजमुई मुल की पैदावार नेशनल इनकम अकाउंटिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ मेजरिंग The national income aggregates in a particular year in an accounting framework. The summary statement of such aggregates depicting the performance of the economy is called national income accounting. Rashtri I Lekha Karan Ek Varshmi Ek Lekha Karan Mein Rashtri I Samuchyo ke Mapan ki Pranali अर्थव्यवस्था के निष्पादन को चित्रित करने वाले ऐसे समुच्चों के संक्षिप्त विवरण राष्ट्रीय आय लेख कहलाते हैं कौमी आमदनी खाता किसी ख़ास साल में कौमी आमदनी के मजमू की पैमाइश का निजाम ऐसे मजमुओं के गोश्वारे को जो मैषियत की कारकरदगी वाजे करता हो कौमी आमदनी खाता कहा जाता है National Sample Survey Organization, NSSO, the largest organization conducting regular socio economic, demographic, agricultural, and industrial surveys under the Ministry of Statistics and Program Implementation of the Government of India. It was first set up in the country under the Ministry of Finance in 1950 with the objective of providing statistical and other information for the purpose of state or national planning and policy requirements the objectives was to evolve statistical techniques for the analysis of statistical data for solving administrative problems and estimation of future trends राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन सबसे बड़ा संगठन जो नियमित रूप से सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकीय कृषि संबंधी और औद्योगिक सर्वेक्षण कराता है देश में राज्य और राष्ट्रीय योजना निर्माण और नीतिगत आवश्यकताओं के लिए सांख्यिकीय और अन्य जानकारी देने के उद्देश्य से और अनुशासनिक समस्याओं के समाधान और भावी प्रवृत्तियों के आकलन के लिए इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1950 में की गई थी सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय तकनीकों को विकसित करना इस संगठन का उद्देश्य है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एन एस एस ओ हुकूमत हिंद की वजारत बरए अदादोशुमार और हुकूमत हिंद के प्रोग्राम नफाज के तहत सबसे बड़ी तंजीम जो बाकायदगी से समाजी माशी और आबादियाती जराती और सनाती सर्वे कराती है ये हिंदुस्तान में वजारत ख़जाना के तहत उन्नीस सौ पचास में इस मकसद से पहली बार कायम हुई थी के रियासती या मरकजी मनसूबाबंदी और पॉलिसी जरूरियात के लिए एदाद और शुमार और दीगर मालूम फराहम करें और इंतजामी मसाइल के हल और मुस्तबिल के रुझाना के जायजे के लिए शुमारियाती डेटा के तजिए की शुमारियाती तकनीकियों को फरोग दे ने प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन इंडस्ट्री और एसेट्स फ्राम प्राइवेट टू स्टेट ओनरशिप और कंट्रोल इट इज वन ऑफ द मेजर स्ट्रेटजीज़ एडवोकेटेड बाय सोशलिस्ट फॉर ट्रांसिशनिंग फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म राष्ट्रीयकरण किसी उद्योग या परिसंपत्ति का निजी से राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में परिवर्तित करने का प्रक्रम ये पूंजीवाद को समाजवाद में बदलने के लिए समाजवादियों द्वारा समर्पित मुख्य रणनीतियों में से एक है कौमियाना किसी सनात या असासों को निजी से सरकारी मिलकियत या कंट्रोल में बदलने का अमल सरमायादारी को समाजवाद में बदलने के लिए समाजवादियों ने इस हिकमत अमली की बहुत वकालत की है नेट एक्सपोर्ट्स बाय विच फॉरेन स्पेंडिंग ऑन होम कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द होम कंट्रीज स्पेंडिंग ऑन फॉरन गुड्स एंड सर्विसेज नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट एक्स माइनस इम्पोर्ट्स एम वास्तविक निर्यात अपने देश की वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी खर्च की विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर अपने देश के खर्च से अधिक राशि वास्तविक निर्यात बराबर निर्यात x घटा आयात m खालिज बरामदात अपने मुल्क की अशिया और खिदमत पर होने वाले गैर मुल्की खर्च की वो रकम जो गैर मुल्की अशिया और खिदमत पर होने वाले मुल्की खर्च से ज्यादा हो खालि बरामदात बराबर बरामदात x घटा दरामदात m नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड refers to incomes received by domestic factors of production from rest of the world minus payments made to foreign factors of production from rest of the country factor incomes from abroad include profits earned by indian companies working abroad wages earned by indians staying in foreign countries as well as rent and interest received from foreigners for using land and capital owned by indians for example an indian national working in dubai earns rupees 500 as wages counts as factor income from abroad factor payments to abroad are profits wages interest and rent paid to foreign nationals operating in india for example if IBM company operating in India makes a profit of rupees 500 it counts as factor incomes to abroad NFIA is added to aggregate of domestic product such as GDP or NDP in order to calculate national product such as GNP or NNP when factor incomes from abroad minus factor payments to abroad are positive, or factor incomes from abroad are greater than factor payments to abroad, then national product is greater than domestic product. That is, GNP or NNP is greater than GDP or NDP. सी ऑल्सो जी डी पी एन एन पी जीएनपी एनडीपी विदेशों से वास्तविक उपादान आय इससे अभिप्राय उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा शेष विश्व से प्राप्त आय तथा उत्पादन के विदेशी कारकों को किए गए भुगतान का अंतर है विदेशों से प्राप्त साधन आय में विदेशों में काम कर रही भारतीय कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा अर्जित मजदूरी या वेतन तथा भारतीयों के स्वामित्व वाली भूमि तथा पूंजी का उपयोग करने के लिए विदेशियों से प्राप्त लगान तथा ब्याज सम्मिलित हैं उदाहरण के लिए एक भारतीय दुबई में काम करके 500 सौ रुपये मजदूरी कमाता है तो ये विदेशों से प्राप्त साधन आय में गिना जाएगा विदेशों को किए गए साधन आय में भुगतान में भारत में कार्यरत विदेशियों को दिया जाने वाला लाभ मजदूरी ब्याज तथा लगान को शामिल किया जाता है उदाहरण के लिए यदि भारत में कार्यरत कंपनी आईबीएम को पाँच सौ रुपये का लाभ होता है तो ये विदेशों को किए गए साधन आय का भुगतान माना जाएगा एनएफआईए को घरेलू आय समग्र जैसे जी या एनडीपी में जोड़कर राष्ट्रीय उत्पाद जैसे जीएनपी या एनएनपी की गणना की जाती है जब विदेशों से प्राप्त साधन आय विदेशों को दी गई साधन आय से ज्यादा होती है तो राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से अधिक होता है देखें जी डी पी एन एन पी जी एन पी एन डी पी गैर मुल्कों से खालिज फैक्टर आमदनी इससे मुराद पैदावार के मकामी अवामिल के जरिए बाकी दुनिया से हासिल करदा आमदनी और पैदावार के ग़ैर मुल्की अवामिल को की गई अदायगी के दरमियान फ़र्क है गैर मुल्कों से हासिल होने वाली आमिल आमदनी में गैर मुल्कों में काम करने वाली हिंदुस्तानी कंपनियों को हासिल होने वाला मुनाफा गैर मुल्कों में काम करने वाले हिंदुस्तानियों को हासिल होने वाली इजरत या तनख्वाह और हिंदुस्तानियों के जेर मुल्कियत ज़मीन और सरमाए का इस्तेमाल करके गैर मुल्कों से हासिल होने वाला लगान और सूद शामिल है मसलन कोई हिंदुस्तानी दुबई में काम करके 500 सौ रुपए कमाता है तो उसे गैर मुल्कों से हासिल आमिल आमदनी में शुमार किया जाएगा गैर मुल्कों में की गई आमिल आमदनी की अदायगी में हिंदुस्तान में काम करने वाले गैर मुल्कियों को दिया जाने वाला मुनाफा मजदूरी सूद और लगान शामिल है मसलन अगर हिंदुस्तान में काम करने वाली कंपनी आईबीएम को पाँच सौ रुपए का मुनाफा होता है तो ये गैर मुल्कों को की गई आमिल आमदनी की अदायगी होगी एन एफ आई ए को मजमू घरेलू पैदावार मसलन जी डी पी या एन डी पी में जोड़कर कौमी पैदावार जी एन पी या एन एन पी का शुमार किया जाता है जब गैर मुल्कों से हासिल आमिल आमदनी गैर मुल्कों की गई आमिल आमदनी से ज्यादा होती है तो कौमी पैदावार मकामी पैदावार से ज्यादा होती है यानी जी एन पी या एन एन पी बड़ा है जी डी पी या एन डी पी से नेज देखिए जी डी पी एन एन पी जी एन पी NDP. Net investment. Difference between gross investment and depreciation or wear and tear of capital goods. Net investment is equal to gross investment minus depreciation. Vastavik Punji Nivesh. Sakal Nivesh or Muli या पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट में अंतर वास्तविक पूंजी निवेश बराबर सकल पूंजी निवेश घटा मूल्य ह्रास खालिस सरमायाकारी मजमू सरमायाकारी और सरमाया जाती अशिया की फरसूदगी या टूट फूट के दरमियान फर्क खालिस सरमायाकारी बराबर मजमू सरमायाकारी घटा फरसूदगी Page 88 Net National Product at Current Prices. Value of net national product measured at prices prevailing in that particular year. Since net national product changes with change in the overall price level, it does not reflect real growth of an economy. This is also called. नॉमिनल नेशनल इनकम प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उस विशेष वर्ष में प्रचलित कीमतों पर मापे गए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्योंकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद समग्र कीमत स्तर में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है अतः ये किसी अर्थव्यवस्था की कि वास्तविक समृद्धि को नहीं दर्शाता ये मौद्रिक राष्ट्रीय आय भी कहलाता है रवा कीमतों पर खालिस्मी पैदावार किसी खास साल में मरवजा कीमतों पर पैमाइश की गई खालिज कौमी पैदावार की कदर चूंकि खालिज कौमी पैदावार मजमुई कीमत की सतह में तब्दीली के साथ तब्दील होती है इसलिए ये किसी मीशत की हकीकी नमू को जाहिर नहीं करती इसको जाहिरी कौमी आमदनी भी कहा जाता है एन एन पी एफ सी रेफर्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिस इज दिच इज कॉल्ड नेशनल इनकम नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द मनी वैल्यू of all final goods and services produced by the residents of a country during a given period of time usually a year the term net denotes that the value of goods and services is calculated net of depreciation in other words depreciation is subtracted from gross investment or gross output Factor cost FC denotes that value of goods and services is at factor cost, that is, it shows the total payments made to factors of production. In contrast, the market price MP estimate shows the value of goods and services at the price prevailing in the market. Output and expenditure methods. Give market price estimates whereas the income method gives the factor cost estimate. In order to calculate national product, net factor income from abroad NFIA are added to domestic product. In order to calculate net product, depreciation is subtracted from gross product. In order to calculate factor cost estimates net indirect taxes are subtracted from market price estimates thus starting with gross domestic product at market price gdpmp we can derive national income or nnpfc in the following manner nnpfc is equal to जीएनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उपादान लागत पर वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद इसका अभिप्राय साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद से है यही वो समग्र है जिसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है राष्ट्रीय आय अथवा उत्पाद से अभिप्राय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक दी गई समयावधि सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है निवल शब्द ये दर्शाता है कि यहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल उत्पादन में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है साधन लागत का अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को उनकी साधन लागत पर मापा गया है अर्थात ये एन एन पी एफ सी उत्पादन के साधनों को किए गए कुल भुगतान को दर्शाता है बाजार कीमत अनुमान वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को उनकी बाजार कीमत के आधार पर मापा जाता है उत्पादन तथा कुल व्यय वृद्धि से हमें बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद का माप मिलता है जबकि आय विधि से हमें साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का अनुमान मिलता है राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने के लिए घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय एन एफ आई ए जोड़ी जाती है शुद्ध उत्पाद की गणना के लिए सकल उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है साधन लागत पर अनुमानों के लिए बाज़ार कीमत में से निवल अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर सहायकी को घटा दिया जाता है इस प्रकार बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से शुरू करके हम निम्न सूत्रों से राष्ट्रीय आय एन एन पी एफ सी का निर्धारण कर सकते हैं राष्ट्रीय आय बराबर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटा मूल्य द्वारा ह्रास घटा निवल अप्रत्यक्ष कर एन एन पी एफ सी इससे अवामिल लागत पर होने वाली खालिस्त कौमी पैदावार मुराद है यही वो मजमुआ है जो कौमी आमदनी कहा जाता है कौमी आमदनी या कौमी पैदावार का मतलब किसी मुल्क के आम बाशिंदों के ज़रिए किसी मुकर मुद्दत अमूमन एक साल के दौरान पैदा की जाने वाली तमाम हतमी अशिया और ख़दात की जरी कदर है लफ्ज़ ख़ालिस् से ज़ाहिर होता है कि अशिया और ख़दम्त की मजमू पैदावार में से खालिस तखफीफ़ को घटा दिया गया है दूसरे लफ्ज़ों में मजमू सरमायाकारी या मजमू पैदावार से तखफीफ़ को घटा दिया गया है अवामिल लागत का मतलब ये है कि अशिया और खिदमत की पैदावार की पैमाइश उनकी अवामिल लागत पर की गई है इससे ये पता चलता है कि कुल अदायगी पैदावार के अवा को की गई है बाजार कीमत के बरक्स जिसमें कीमत का अंदाज़ा अशिया और खिदमत की कीमत को उनकी बाजार कीमत की बुनियाद पर लगाया जाता है पैदावार और मजमू अखराजात के तरीके से हमें बाजार कीमत पर कौमी पैदावार की पैमाइश हासिल होती है जबकि आमदनी तरीके से अवामिल लागत पर कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाया जाता है कौमी पैदावार का हिसाब लगाने के लिए मकामी पैदावार में गैर मुल्कों से हासिल खालिस खालिस्वा आमदनी यानी एन एफ आई ए को जोड़ दिया जाता है खालिस पैदावार का हिसाब लगाने के लिए मजमू पैदावार में से तखफीफ को घटा दिया जाता है अवामिल लागत पर अंदाजा लगाने के लिए बाजार कीमत में से खालिश बिलवास्ता टैक्स को घटा दिया जाता है इस तरह बाजार कीमत पर मजमू मकामी पैदावार से शुरू करते हुए हम मन दर्जा झेल फार्मूले के जरिए कौमी आमदनी का तयन कर सकते हैं एन एन पी एफ सी बराबर जी एन पी यानी एम पी घटा तखफीफ घटा बिलवास्ता टैक्स पेज एटी नाइन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस्ड बाय सब्सिडीज बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद में आर्थिक सहायकियों के जोड़ में से अप्रत्यक्ष कर को घटा कर प्राप्त किया जाता है बाजार की कीमतों पर खालिश कौमी पैदावार अवामिल लागत पर कौमी पैदावार बशमूल बिलवास्ता टैक्स जिसमें से रियायतें यानी सब्सिडीज घटा दी जाएं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया An economic policy think tank of government set up with the objective of involving the states in economic policy making in India for providing strategic and technical advice to the central and the state governments. Prime Minister of India is its ex officio chairperson. Niti Ayog was formed on 1 January 2015. बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया नीति आयोग केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया आर्थिक नीति के चिंतन का सरकारी ढांचा भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं नीति आयोग का निर्माण 1 जनवरी 2015 को भारत के योजना आयोग को तो प्रतिस्थापित करके किया गया था नीति आयोग ये हुकूमत हिंद के तस्वुरात और मंसूबों को शक्ल देने वाला एक खास इदारा है नीति आयोग में सूबों के साथ ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी और मनसूबों को बनाने की आज़ादी दी गई है ये समाजी माशी सियासी और साइंसी मंसूबों पर अपना तकनीकी मशवरा मरकजी हुकूमत को देती है नीति आयोग की तश्कील एक जनवरी 2015 को मंसूबा को कमीशन को खत्म करने के बाद हुई वजीर आजम इस इदारे के सदर होते हैं नॉमिनल जी एन पी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट measured in terms of current market prices since the nominal gnp measures the value of currently produced goods and services at market prices gnp changes whenever there is a change in the overall price level or change in actual volume of production see also gross national product मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रचलित बाजार कीमतों के संदर्भ में मापित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्योंकि मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों पर वर्तमान समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मापन करता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद परिवर्तित होता है जब कभी भी समग्र कीमत स्तर में परिवर्तन होता है अथवा उत्पादन की वास्तविक मात्रा में परिवर्तन होता है देखें सकल राष्ट्रीय उत्पाद जाहिरी मजमुई कौमी पैदावार राइज बाजार कीमतों के हवाले से नापी गई मजमू कौमी पैदावार चूंकि जाहिरी जी एन पी बाजार में हाल ही में आई अशिया और खिदमात की कीमत की पैमाइश करती है इसलिए जी एन पी मजमूई कीमत की सतह से तब्दील होती रहती है ऐसा तब होता है जब मजमू कीमत की सतह में या पैदावार के हजम में तब्दीली होती है नेज देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नॉमिनल इनकम वेर एग्रीगेट्स ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नॉमिनल और रियल टर्म्स When anything is expressed in nominal terms, we are talking about money value. But when the same thing is expressed in real terms, we are talking about physical or real value. Since national income refers to money value of goods and services, this can increase with an increase in physical volume of goods and services or when prices of goods and services rise. For example, suppose an economy produces wheat and salt. In year 2010, following are the values of quantity produced and prices quantity in kilograms, price, rupees per kilogram, nominal income or nominal GDP, 2 kilograms of wheat. At rupees 100 per kilogram will get 2 multiplied by 100, that is 200 units of nominal GDP. Similarly, 4 kilograms of salt at rupees 20 per kilogram will provide 4 multiplied by 20, which is equal to 80 units of nominal income or nominal GDP. In this case, nominal income is equal to 280. In the next year, if quantities produced remain the same, but price of wheat rises to rupees 150, nominal income becomes 2 multiplied by 150 plus 4 multiplied by 20, which is equal to 380. Thus, nominal income rises in this example without any increase in quantities produced for this reason concept of real income is used to remove the effect of rise in prices for the economy as a whole nominal income is equal to real income multiplied by gdp deflator nominal income is equal to Real income multiplied by price index. From the point of view of the recipient or earner of the income, nominal income measures how much the person has received in money terms, whereas the real income measures how many goods and services can be bought from this income. For example, suppose a person earns Rs. 1000 with which he is able to buy certain number of clothes and quantity of wheat if the price of clothes or wheat rises then this person will be able to buy lesser number of clothes and quantity of wheat from the same rupees 1000 in this case although the nominal income stays the same at rupees 1000 द रियल इनकम फॉल्स सी ऑल्सो जी डी पी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स रियल इनकम पेज नाइन्टी नकद आय मुद्रा के रूप में आय घरेलू व राष्ट्रीय आय के विभिन्न समग्र मौद्रिक तथा वास्तविक रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं मौद्रिक रूप में व्यक्त करते समय हम मौद्रिक मूल्य की बात करते हैं किंतु इसी वस्तु को वास्तविक रूप में व्यक्त करते समय हम उसके भौतिक मूल्य या वास्तविक मूल्य की बात करते हैं क्योंकि राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है ये वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने पर या फिर कीमतों में वृद्धि होने पर बढ़ती है उदाहरण के लिए मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में गेहूं तथा नमक का उत्पादन होता है मान लीजिए वर्ष 2010 में उत्पादित मात्राओं तथा कीमतों का मान इस प्रकार है मात्रा किलोग्राम में कीमत प्रति रुपया किलोग्राम में मौद्रिक आय या मौद्रिक दो किलोग्राम गेहूं सौ रुपये प्रति किलोग्राम के दाम पर दो गुणा एक सौ बराबर दो सौ मौद्रिक आय को उत्पन्न करता है चार किलोग्राम नमक बीस रुपये प्रति किलोग्राम के दाम पर चार गुणा बीस बराबर अस्सी मौद्रिक आय या मौद्रिक यूनिट उत्पन्न करता है यहाँ राष्ट्रीय आय कुल दो सौ यूनिट है अगले वर्ष यदि उत्पादित मात्रा स्थिर रहती है किंतु गेहूं की कीमत बढ़कर एक सौ हो जाती है तो मौद्रिक आय दो गुणा एक सौ पचास जमा चार गुणा बीस बराबर तीन सौ अस्सी हो जाती है इस प्रकार इस उदाहरण में उत्पादित मात्रा में बिना किसी वृद्धि के मौद्रिक आय बढ़ जाती है इसीलिए कीमतों में परिवर्तन के प्रभाव को हटाने के लिए वास्तविक आय की धारणा दी जाती है किसी अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक आय बराबर वास्तविक आय गुणा जी डी पी तक या मौद्रिक आय बराबर वास्तविक आय गुणा कीमत सूचकांक आय के प्राप्तकर्ता या आय अर्जक के दृष्टिकोण से मौद्रिक आय मौद्रिक रूप में की गई प्राप्तियों से है जबकि वास्तविक आय वस्तुओं तथा तो सेवाओं की उस मात्रा का माप है जिसे उस मौद्रिक आय से खरीदा जा सकता है उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति एक हजार रुपये कमाता है जिसकी मदद से वो कपड़े तथा गेहूं की एक निश्चित मात्रा खरीद सकता है यदि अब कपड़े तथा गेहूं की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो वो व्यक्ति उसी एक हजार रुपये में गेहूं तथा कपड़े की पहले से कम मात्रा खरीद पाएगा इस प्रकार यद्यपि मौद्रिक आय स्थिर एक हज़ार रुपये है लेकिन वास्तविक आय कम हो जाती है देखें जीडीपी डी अविस्फिति कीमत सूचकांक वास्तविक आय नकद आमदनी जर की शक्ल में आमदनी इस आमदनी में अफरात जर तफरी ज़र या दीगर इकतसादी अवामिल की मुताबकत नहीं होती इसे किसी मीशत में आमदनी की असल नमू को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता मुल्की और कौमी आमदनी के मजमू को ज़री और हकीकी सूरतों में जाहिर किया जा सकता है ज़री सूरत में जाहिर करते हुए हम पैसे की बात करते हैं लेकिन किसी चीज़ को हकीकी सूरत में जाहिर करते हुए हम उसकी मादी कीमत या हकीकी क़द्र की बात करते हैं चूँकि कौमी आमदनी चीज़ों और ख़दमत की ज़रि कीमत को ज़ाहिर करती है इसलिए चीजों और खदमात की पैदावार या कीमतों में इजाफा होने से उसमें भी इजाफा होता है मसलन फर्ज कीजिए किसी मीशत में गेहूँ और नमक की पैदावार होती है अगर साल 2010 में पैदा करदा मिकदारों और कीमतों की कदर मंद दर्जा जेल है यहाँ कौमी आमदनी बराबर 280 रुपए। अगले साल अगर पैदा करदा मकदार तब्दील नहीं होती है मगर गेहूं की कीमत बढ़कर डेढ़ सौ रुपये फी किलोग्राम हो जाती है तो जरी आमदनी बराबर दो गुना डेढ़ सौ जमा चार गुना बीस बराबर तीन सौ अस्सी रुपये हो जाती है इस तरह इसी मिसाल में पैदा करदा मकदार में किसी इजाफे के बगैर जरी आमदनी बढ़ जाती है इसलिए कीमतों में तब्दीली के असर को दूर करने के लिए हकीकी आमदनी का तसवर पेश किया जाता है किसी मीशत के लिए जरी आमदनी बराबर हकीकी आमदनी गुणा जीडीपी डी या जरी आमदनी बराबर हकीकी आमदनी गुणा कीमत अशारिया आमदनी हासिल करने वाले नुक़ नज़र से जरी आमदनी पैसे की शक्ल में हासिल होती है जबकि हकीकी आमदनी चीज़ों और खदम की उसी मेदार की पैमाइश है जिसे उस जरी आमदनी से खरीदा जा सकता है मसलन फर्ज कीजिए कोई शख्स एक हजार रुपए कमाता है जिसके जरिए वो कपड़े और गेहूं की एक मुकररा मिकदार खरीदता है अगर कपड़े और गेहूं की कीमत बढ़ जाए तो वो शख्स इसी एक हजार रुपए से कपड़े और गेहूं की पहले से कम मकदार खरीद पाएगा इस तरह अगरचे जरी आमदनी एक हजार रुपए बरकरार रही मगर हकीकी आमदनी कम हो गई नेज देखिए जीडीपी डी पी तफरीदार कीमत अशारिया हकीकी आमदनी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लान प्रपोजल्स इन गवर्नमेंट बजट फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज सब्सिडीज सैलरीज एंड पेंशंस गैर योजना खर्च सरकार की सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर राजस्व खर्च जो सरकारी बजट के योजना प्रस्तावों में शामिल नहीं होता उदाहरण के लिए ब्याज भुगतान रक्षा सेवाओं पर खर्च आर्थिक सहाय की वेतन और पेंशन गैर मंसूबा जाती खर्च हुकूमत की आम माशी और समाजी खिदमत पर वो रेवेन्यू खर्च जो सरकारी बजट के मंसूबे की तजावीज में शामिल नहीं होते मसलन सूद की अदायगी दिफाई खिदमत पर खर्च रियायतें तनख्वाह और पेंशन पेज नाइन्टी वन नॉन टैरिफ बैरियर्स Measures other than tariffs, that is quotas, levies, embargoes, sanctions, etc, which restrict international trade among nations. These barriers may create economic loss as they do not allow trade to occur freely. Sima Shulk Avrod Sima Shulkonki Upai quota नियतांश लेवी, उगाही सावधिक रोग संस्वीकृतियां दंड इत्यादि जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाती हैं इन अवरोधों से आर्थिक हानि हो सकती है क्योंकि ये व्यापार को मुक्त रूप से चलने नहीं देते गैर तारीफी रुकावटें टैरिफ के अलावा दाम जैसे कोटा लेवी एक मुयना मुद्दत तक पाबंदी या रोक तजारती पाबंदियाँ वगैरह जिनसे मुल्कों के दरमियान बैन अवी तजारती पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं इन पाबंदियों से माशी नुकसान होने का अंदेशा रहता है क्योंकि उनके तहत आज़ादी के साथ तजारत की इजाज़त नहीं रहती Government revenue generated from sources other than taxes. The sources of non-tax revenue include dividends, fee, fines or penalties, surplus from public enterprises, etc. This is also known as non-tax receipt. Karitar Rajaswar, Karun ke अन्य स्त्रोतों से उत्पादित सरकारी राजस्व, करेतर राजस्व के स्रोतों में लाभांश फीस अर्थदंड या जुर्माना सार्वजनिक उद्यमियों से अधिशेष इत्यादि शामिल हैं ये करेतर प्राप्ति के रूप में भी जाना जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्सों के अलावा दीगर ज़राए से हासिल सरकारी मालिया नॉन टैक्स रेवेन्यू के जराये में डिविडेंड यानी मुनाफा फीस जुर्माने और तावान पब्लिक इंटरप्राइज वगैरह से हासिल सरप्लस शामिल हैं इसको नॉन टैक्स वसूली भी कहा जाता है नॉर्मल गुड्स गुड्स फॉर विच डिमांड इनक्रीजेज एज द रियल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इनक्रीजेज फॉर नॉर्मल गुड दिन का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव सामान्य वस्तुएं वस्तुएं जिनकी मांग व्यक्ति की वास्तविक आय के साथ बढ़ती हैं सामान्य वस्तुओं के लिए मांग की आय सापेक्षता आय के साथ मांग का बढ़ना घनात्मक होता है नॉर्मल अशिया नॉर्मल अशिया वो अशिया हैं। जिनकी मांग किसी फर्द की हकीकी आमदनी बढ़ने से बढ़ती है नॉर्मल अशिया के लिए मांग का आमदनी लोच मुस्बत होता है नॉर्मल प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म वे टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड इज इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू इन दिस केस प्राइस ए आर इक्वल्स एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स कैन बी अटेन्ड इन द लॉन्ग रन सामान्य लाभ जहाँ कुल आगम और कुल लागत में कोई अंतर नहीं होता इस मामले में कीमत औसत आगम उत्पादन की औसत लागत के बराबर होती है पूर्ण रूप से प्रतियोगी बाजार में लंबी अवधि में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त किए जा सकते हैं आम मुनाफा किसी फर्म का मुनाफा जहाँ कुल माली याफत और कुल लागत में कोई फर्क नहीं होता ऐसी सूरत में कीमत यानी ए आर पैदावार की औसत लागत के बराबर होती है पूरी तरह मुसाबकती बाजारों में तवील मुद्दत में सिर्फ आम मुनाफा ही हासिल किया जा सकता है Normative economics. Study of what ought to be rather than what actually is. This kind of economic analysis incorporates subjectivity or value judgment and putting one kind of value above another seeks to recommend the way economy should operate. Adarshatmak Arthashastra. क्या वास्तव में है कि स्थान पर क्या होना चाहिए का अध्ययन अर्थशास्त्र की ये शाखा अपने विश्लेषण के अंतर्गत व्यक्ति परकता को सम्मिलित करती है और अन्वेषण पर अनुशंसा व्यक्ति परखता को सम्मिलित करती है अन्वेषण का अनुशंसा करती है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था का परिचालन किया जाना चाहिए क्या है की जगह क्या होना चाहिए का मुतालिया माशियात की इस शाख में दाखिलियत या कदरी फैसलों और किसी एक कदर को दीगर कदर पर फोकियत देने का तजिया किया जाता है और ऐसी राह तजवीज की जाती है जिस पर मीशत को चलाया जाना चाहिए ट्राई लिंग डिक्शनरी यू एर जस्ट लिस्निंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन डॉ निर्जा रश्मि प्रोजेक्ट एडवाइज डॉ भारती कौशिक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बटीलैंग लिंगडो फ्रेमवर्क एडवाइज अजीत होरो प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन वंदना अरिमर्दन एसिस्टेंस इन प्रोडक्शन कुसुम लता प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय विमलेश चौधरी एंड दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू बाय सी आईई टी New Delhi, India.